जी आ 10:45 ते फ्लाइट है अपना इंडिया दे विच एक साल दे विच तीजा ट्रिप है। बोर्डिंग पास मिल गए गाइस ते हुण आपां निकलदे आ उधर वल। गाइस वॉशरूम तां इहना तुसीं देख सकदे आ। लो गाइस अपना फूड आ गया। गाइस सत श्री अकाल, होप सारे जने ठीक होवोंगे। अज आप ब्लॉग शुरू कर लगे हैं इंटरनेशनल ट्रिप के नाल। सॉरी यार बहुत देर ब्लॉग नहीं पा हुए, कम्मा कारा दे विच बिजी चल रहा सी ते हुण आप स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रिप। तो आने वाले ब्लॉग दे विच तुहानू पता लग जाणा मैं कित्थे जा रहा। वैसे जिन्होंने थंबनेल तो ही देख लिया उन्होंने तो पता लग ही गया है। लगेज अपना पूरा रेडी है। मैं 7 किलो लगेज नाल जाना हुण अजकल पसंद करदा। बहुत ही ईजी गोइंग हुंदा है, कोई चैकिंग नहीं करवाना पैंदा, कुछ नहीं। वीरा आपां नूं पिक करन आ रहा है, वीरे ने आपां नूं पिक करके ते ड्रॉप करना है उत्थे एयरपोर्ट। तो एक्साइटमेंट तुसीं मेरे फेस तो देख ही सकते हैं, जदों भी कोई इंटरनेशनल ट्रिप ते जांदा है पूरी एक्साइटमेंट हुंदी है। यार करदे हां ट्रिप शुरू, होप सारी जर्नी वधिया वधिया रहे। फ्लाइट मेरी हैगी आ 10:45 दी ते मैं 2 घंटे पहला जाना है, सो इन्ना ज़्यादा अर्जेंट नहीं है क्योंकि लगेज चैक इन करवाना नहीं, दैट्स वाई 2 घंटे मोर दैन इनफ आ। तो निकलते हैं तो तुम पूरा व्लॉग देखियो पूरी जर्नी। यार बीरा आ गया पिक करन, तो हम आप रखते हैं आप बैग इतने। बीरे की गड्डी होंगी ऑलवेज क्लीन। देखो यार धुप इन्नी ज़्यादा पई है ना, सीरीयसली इन्नी ज़्यादा सवेरे ठंड लग रही थी तो हुण एकदम ही धुप हो गई है। हुण आपां चलदे आं अंदर डिपार्चर्स फाइनली, ते जाके देखिए कि फ्लाइट ऑन टाइम ही है। वैसे शो कर रहे हैं 10:45 ते फ्लाइट आ, डिपार्चर्स एंटर हो गए हैं। काफ़ी भरिया लगता एयरपोर्ट। गाइस यार एयरपोर्ट आ गए, एक एक्साइटमेंट वक्री ही शुरू होती है बंदे नूं, कि बंदा चाहता है कि फटाफट बस प्लेन चढ़ जाइए तो उतर जाइए। तो चैकिंग इनफॉर्मेशन तो आप देख लीए मेरे जी, आ 10:45 ते फ्लाइट है, कोलालंपुर जानी है D7223। तो हूँ आप जाने तो यदा है चैकिंग के तो फटाफट चलीए यार, क्योंकि मेरे को सॉरी मैं मेरे को ऑलरेडी थोड़ा ही टाइम रह गया, 2 घंटे रह गया यार। फटाफट हूँ आप निकलते हैं चैकिन के यार एंड ते बनया होया है ना दा चैकिन ई ट्रैवलिंग ली। यार तुसी जे जाना है तो ट्रैवलिंग लई रेवोल्यूट कार्ड तुसी यूज कर सकते हैं। रेवोल्यूट कार्ड का मैं लिंक थले दे दूंगा, उसे ते कोई भी ट्रांजैक्शन फी नहीं लगती, तुसी रेवोल्यूट नू जरूर यूज करो। तो मैं भी रेवोल्यूट ही हूँ यूज करना है एवरीवेयर, ईवन जे तुसी मलेशिया एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट से तुहाडी स्टे है तो तुसी उत्थे कुछ खाना पीना है विदाउट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फी, तुसी रेवोल्यूट यूज कर सकते हैं। अपना लगेज वाला यार पंगा है ही नहीं इस बार, बिना लगेज तो यार जानता इन्ना वधिया ना, ना कोई चैक इन करवाना ना कुछ, बस सीरियसली आप बोर्डिंग पास लेने हैं तो उतों सीधा निकलीए तो बस एंटर हो जाइए, अंदर जाके कॉफ़ी कूफी पीने। अपनी चैकिंग तो यार इन्नी की लाइन लगी है इतों लैके इधर तक, 15 मिनट की वेट सी तो हुण आ गई अपनी बारी। हुण देखते हैं कितने फ्री होंगे तो आप चैक इन करवाइए, क्योंकि लगेज चैक इन करवाना है, बस बोर्डिंग पास लैके तो फिर उधर निकलीए। ऑलरेडी फ्लाइट के 1.5 घंटा रह गया है। बोर्डिंग पास मिल गए है गाइस, तो हुण आपां निकलते हैं उधर वल। फ्लाइट का टाइम है तो गेट 9 दे विच जाइए आपां डिपार्चर उधर नूं। फाइनली काम हो गया, 15 मिनट ही लगे सारे आपां नूं। एक चक्कर पै गया हैड रैसट मेरे को इस टाइम है नहीं, तो यार हैड रैसट हुंदा ना तो वह मेरा घर रह गया, तो हुण मैं सोचदा कि इतों हैड रैसट बाय किया जाए कितों, क्योंकि वह बहुत जरूरी चीज़ आ। कमेंट करके दसो जिन्हां नूं आस्ट्रेलिया तो इंटरनेशनल ट्रिप करना पसंद आ, खास करके इंडिया का, जिते मर्जी चल जाओ यार, जो इंडिया जाने की खुशी होंगी है ना, जो अपने जेनेटिक्स आ वो कभी भी नहीं भुलते, वो सीरीयसली यार जाने का मज़ा ही वखरा है। पर यार इतों सिडनी तो काफ़ी लोग फोटो खिचाते हैं, हूँ आप इतों एंटर होइए। इमीग्रेशन करवानी है ये अंदर फोन इन्होंने चला नहीं देना, तो हूँ आप जाके इमीग्रेशन कराने तो फिर उस तो बाद सिक्योरिटी चेक कराने सारा कुछ, सिक्योरिटी इमीग्रेशन करा के फिर उस तो बाद गाइस मिलते। आप चैक इन करवा लिया, सिक्योरिटी चैक भी सारी करा ली, इमीग्रेशन भी करा के सारा कुछ डन कर दिता है, तो हुण आ गए आप टैक्स एंड ड्यूटी फ्री एरिए। इतने पायलट साहब होनी जा रहे हैं जी,
आई थिंक साढ़ा एक रिजा जड़ा इन्होंने हम थोड़ा जहा जाके फ्रैश होंगे थोड़ा जहा टाइम हैगा मेरे को 9:30 उन्होंने बोर्डिंग लिखी है तो ऑलरेडी 9 बज गए अपने पूरा हाफ एन आवर रह गया है गेट 24 तो 37 उधरली साइड आ 50 प्लस गेट इधर नू आ गेट 8 to 10 इधर आ A to 10 गेट इधरली साइड शो कर रहे हैं गैस अपना इंडिया दे विच एक साल दे विच तीजा ट्रिप आ लास्ट टाइम मैं नवंबर टू दिसंबर तक गया सी फिर मैं जनवरी टू फरवरी तक गया सी हुण 6 महीने बाद फिर इंडिया का ट्रिप लग रहा यार इंडिया का ट्रिप सीरीयसली वेट ही नहीं होंगी हुण मेरा प्लैन है कि 6 महीने बाद इंडिया गेड़ा मारा ही करना है गेट नंबर 8 and 9 इधर आ बोर्डिंग हूँ लगी है तो हम बोर्डिंग करवाइए पहुँच गए आप बोर्डिंग हो गई है तो हम आप अंदर चलते हैं तो करते हैं फ्लाई आ गए गाइस अंदर आप हम प्लेन दे 45A तो जाना है 45A देखते हैं 37 चल रही 38 बात है 45A and C ए विंडो सीट है हम आप लगेज रखिए यार ऊपर इन्हों मील्स वगैरह ये काफ़ी मील्स है ग्रिल्ड पैरी पैरी चिकन तो हैदराबादी बिरयानी बुखारा बिरयानी लास्ट टाइम ट्राई की थी एक दो मील्स इनकलूडेड लकीली मैंने विंडो सीट मिली है तो विंडो सीट मैं उन्होंने चैक इन कहता से उन्हें मेरे विंडो सीट स्पैशल कर दी है तो इस बार मेन गल है गैस ये स्क्रीन भी है अपने को नॉर्मली ये स्क्रीन नहीं सी लास्ट टाइम तो इस बार स्क्रीन भी आ देखते रहेंगे तो लगेज वगैरह रख रहे हैं ट्रिप बहुत घट पाता है 16 घंटे का 16 घंटे का इतों 8-8.5 घंटे तो अगे 5.5 घंटे सिर्फ 2 घंटे की स्टे है तो मैं 17-18 घंटे घर पहुँच जाता जे मैं वाया दिल्ली जाता तो काफ़ी लंबा ट्रिप पै जाता कि एशियन कंट्रीज़ के थ्रू जाना मैं ज़्यादा वधिया रहिंदा है मलेशिया सिंगापुर थाई ये बहुत ही क्विक ट्रिप होंगे यार विंडो सीट का मज़ा भी तो ही होंगे जे विंडो सीट दिन के ही करके अपना व्यू इंजॉय कर सकते हैं प्लेन च बहते गए तो नींद आने वाली हो गई है तो ऑलरेडी मैं टायर्ड बहुत हाँ सवेरे अर्ली उठिया राती सो नहीं होया सो इन्नी कि ज़्यादा नींद आ रही है बस मैं यही चाहता है कि मैं फूड देन तो इन्हों की जो बिरयानी एंड स्नैक्स खा के सीधा सोईए क्योंकि बहुत टायर्ड होया पाया ऑनैसटली बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो मैं सोचता हूँ की फ्लाइट से पूरी नींद पूरी करा उस तो बाद अगली फ्लाइट सीधा आराम मैं जागते जावे अमृतसर पहुँचना रात में फाइनली 1.5 घंटे बाद हम फूड आया भुख बहुत ज़्यादा लगी है यार फूड खाइए बस लोग ऐसा अपना फूड आ गया फूड के इन्होंने तो बिरयानिया तो है नहीं सी सो आपां नूं इन्होंने इन्हां दे नासी चिकन एंड राइस दिते आ अंकल चिन्स दे नाल कटलरी आ ते नाल पीनट्स आए ते ड्रिंक कोक नो शुगर आइस दे के होर भी काफ़ी चीज़ें हैं बट इन्हों तो बिरयानीज अवेलेबल नहीं सी सो आप ही ट्राई करते हैं ट्राई करके देखते हैं नॉर्मल चिकन राइस है वैसे सॉसा दीतियाँ खाने आ भी पा सकते हैं बट आप मैं थोड़ा सॉसा घट ही लाइक करना करते हैं ट्राई फिर गाइस वधिया चिकन के नाल नॉर्मल राइस वैसे मैं इन्हें लास्ट टाइम बिरयानी ट्राई की थी बिरयानी इन्हों तो है नहीं इस टाइम बिरयानी काफ़ी स्वाद सी फ्यू मिनट्स लेटर खोलने लिए फिर यार आ कोल्ड बीयर लिया तो कॉफ़ी पीती थी थोड़ी देर पहला
गाइस वॉशरूम तो इन्हें तुम देख सकते हैं इदा दा ही आ, छोटा जि छोटी जी वॉश बेसिन है। आई थिंक एयर इंडिया के लास्ट टाइम थोड़े जे बड़े सी बट काम चलाऊ ही है। मैं तो यार इन्ना क ज़्यादा टायर्ड हो गया ना, सो के उठा सी सीरियसली, तो हूँ मैं कुछ और ऑर्डर किया खाने को, खा के थोड़ा फ्रैश हो के। मेरी हाइट 6'1" आ, तो इन्ना की है बस यदा लैवल 7 फुट का ही है सारा। जिहड़े जिहड़े ट्रैवल करते उन्होंने पता कि आ बॉर्डर आती है यार प्लेन वाली। जो तुम उन्होंने फ्लश दबते हैं ये तो किनू किनू डर लगता, कमेंट करके दसियो यार। टायर्ड हो बहुत ज़्यादा, लंबी फ्लाइट आ, फ्लाइट कटनी इन्नी ज़्यादा औखी हुई है। कैन यू बिलीव सारे जने सुते पे इस टाइम, तो बार बार मैं उठ जाना हाँ, फिर नींद आ जाती है, उठ जाना। शुक्र है कि नाल दी सीट ते इस टाइम कोई है नहीं है, कई बार मैं इतने ही पै जाना हूँ। बट यार टाइम पास करना फ्लाइट के बहुत ज़्यादा टफ है सीरीयसली। और 2 घंटे लगने हाले मलेशिया पहुँचने, उस तो बाद 6 घंटे की होर फ्लाइट आ अमृतसर में, तो 2 घंटे की स्टे है बिच। फाइनली गाइस लैंड होने लगा प्लेन, आफ्टर 9 आवर बाद मलेशिया पहुंचे हैं, तो लैंड होने लगे है। प्लेन लैंड हो गया, तो हम आपको उतरन लगे हैं, निकलों में मैं लगा 15 मिनट लग जाने हैं इतों। फाइनली प्लेन चो बाहर आ गए हैं, तो हूँ इतों 6 घंटे अगे लगने हैं, तो 2 घंटे की स्टे है। प्लेन 20 मिनट पहले ही लैंड हो गया, गेट को जाके नाले का कुछ खाने हैं, फ्रैश होंगे हैं। एक कुआलालंपुर एयरपोर्ट में लास्ट टाइम भी आया सी। चलते हैं आप इधर न, तो लगेज अपना नाल ही है। लगेज का यार बहुत फायदा आ सीरीयसली, जो तुम 7 किलो लगेज ना आने ना, 7 जगह ये 9-10 किलो वेट आ। उदा आ गए उ जिते लास्ट टाइम यार ट्रैवल करके इतने पहुंचे से, हूँ अपनी हैगी अगली फ्लाइट इतने। ऑलरेडी आई थिंक 11-12 घंटे की स्टे सी जी मैं पूरी की, इस बार लकीली फ्लाइट के मैं स्टे ही है नहीं, ओनली 2 घंटे की है। बट यार तुम्हें पता 2 घंटे तो उदा ही निकल जाते हैं। आया अमृतसर का L4 AK0094 ये जानी है, इतों 1850 से लिखा इन्होंने। तो मैं यार इधरों की गया, मैं इधरों गया, वो सिक्योरिटी वाले ने मैंने कहा कि तेरा एक रॉन्ग गेट है, तू इधरों की नहीं जाना। सो हूँ आप जाना पैना है L4 गेट की, वह कहता L4 गेट परले पासे है। L4 लभ के यार फिर उस तो बाद फ्रैश हो के, तो फिर थोड़ा जहा कुछ इतने कॉफ़ी वगैरह पीने, फिर प्लेन चा खाने मिल ही जाना। जाओ उधर नूं एल गेट या इंटरनेशनल डिपार्चर उधरों भी होंगे आ, जेडे पी गेट आ सारे थले आ। लास्ट टाइम मैं पी गेट तो चढ़िया सी, और देखो एल गेट उन्होंने इतने मैंशन भी किया है एल गेट का। इन्हों तो यार एसी भी नहीं चल रहा, इन्नी कि ज़्यादा गर्मी है ना इतने, 35 से 37 डिग्री वैदर चल रहा है। तो हूँ मैं इतों हिसाब ला सकता कि अमृतसर के कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। यार जलंधर अपने का बहुत ज़्यादा अग वर्दी होनी है इस टाइम। यार मैनू तो लगा सी एल गेट बहुत कोल ही होगा, बट एल गेट ने तरा तरा मारता, वो पी गेट तो बहुत कोल है, उधरों उतरते अंदर चल जाने। Few minutes later आ देखो एल गेट होर 4 मिनट दस रहा। कर लगे हैं बोर्डिंग इतों मलेशिया एयरपोर्ट तो, हम स्टे कर ली 2 घंटे की फ्लाइट डिले हो गई थी, हम फ्लाइट डिले पूरी करके तो हम 7:25 तो इतों चढ़नी है। यार हम अंदर चले हैं, कह गए हम आप फ्लाइट के 3 hours later बस हो गई, 1.5 घंटा रह गया है, पूरा टायर्ड हो गया, देख लो सारे सुते पे है। एक तो बहुत ज़्यादा रश है, देख सकते हैं निकल ही नहीं सकता है, तो बैग अपना आ गया इतने।
फेस तो हिसाब ला सकते मैं कितना ज़्यादा टायर्ड हो गया, बहुत बुरा हाल है।